हेलो एंड वेलकम बैक टू द एक्यूरिस्ट वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरे पास एक बॉक्स रिसीव हुआ है लाइफ फॉर्म्स न्यूटी लैब से। तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें इसकी पूरी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा मैं आपको इसी वीडियो में। और जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि किस चीज़ से रिगार्डिंग इसमें प्रोडक्ट्स हैं, तो उन सब का मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा रिव्यू दूंगा और सबको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा, पर्टिकुलरली सबके प्रॉपर रिजल्ट दिखाऊंगा आपको, आपके सामने सबको एकदम अच्छी तरीके से टेस्ट करेंगे अपन कि सच में वर्क करता है कि नहीं करता है। तो उन सबको देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट हैं इसमें, बहुत ज़्यादा यूजफुल आने वाले हैं एक्वेरियम हॉबी में। जो भी आप अपने एक्वेरियम हॉबी में रहते हैं, उनको कोई चीज़ों की दिक्कत होती है एक्वेरियम में भी, मैं वीडियो को आपको बताऊंगा आगे कि किस किस चीज़ों की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वो सब कुछ इससे उस चीज़ का सॉल्यूशन इसके अंदर है। तो अभी आपको चलिए अनबॉक्स करके दिखाते हैं सबसे पहले इसको। और अनबॉक्सिंग से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि सबसे पहले एक्वेरियम से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको एक्यूरेस्ट वर्ल्ड के थ्रू मिलें। तो चलिए अभी करते हैं इसको जल के अनबॉक्स और सब कुछ आपको टेस्टिंग वगैरह करके दिखाते हैं, सबके रिजल्ट वगैरह दिखाते हैं कैसा क्या वर्क करता है, वर्क करता भी है कि नहीं करता है। एकदम प्रॉपर रिजल्ट दूंगा, जेनुइन रिजल्ट दूंगा आपके सामने दिखाऊंगा सब कुछ कैमरे पे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं अब अनबॉक्स। आप जैसा कि देख सकते हैं ये लाइफ फॉर्म न्यूट्री लैब से आया हुआ है। तो उससे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं अपने नॉर्मल ब्लेड से जो हमेशा हम यूज़ करते हैं। जल्दी अपग्रेड करूंगा मैं अनबॉक्सिंग का ब्लेड। थोड़ा केयरफुल रहा करिए ऐसे ब्लेड से खुलने में, क्योंकि लग बहुत जल्दी जाती है इन वाले ब्लेडों से। तो ये हमने अनबॉक्स कर लिया और सबसे ऊपर आप देख सकते हैं रखा हुआ है अमीनो क्लोरीन एक्स। तो ये जो प्रोडक्ट है ये क्लोरीन प्लस अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के काम आता है अपने एक्वेरियम में, जो कि दोनों सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर है अपने एक्वेरियम में, जिसकी वजह से फिशेज मरती हैं। क्लोरीन तब जब टैप वाटर होता है, अमोनिया तब जब अमोनिया की स्पाइक होती है बहुत ज़्यादा, जो नाइट्रोजन साइकिल है वो बैलेंस नहीं रह पाती है, तो उन दोनों में वो काम आता है। ये बैक्टोसैब बीएस है, ये 9-in-1 मेडिसिन है लाइफ फॉर्म न्यूट्री लैब्स की। तो इसमें बहुत सारी क्लाउडिया वगैरह जैसी डिजीजेस ट्रीट होती हैं फिनरॉड। और ये रही वाटर टेस्ट किट, जिससे अपन क्लोरीन को टेस्ट करेंगे। अभी अमोनिया की टेस्ट किट रिसीव नहीं हुए मेरे पास, जैसे अमोनिया की भी रिसीव होती है तो मैं आपको अमोनिया का भी टेस्ट करके दिखाऊंगा अमीनो क्लोरीन एक्स से। लेकिन अभी सिर्फ इस वाली वीडियो में क्लोरीन की टेस्टिंग होने वाली है, क्लोरीन कितनी जल्दी और किस तरीके से ये न्यूट्रलाइज करता है, तो वो देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना पूरी। तो ये तीनों प्रोडक्ट हम लोग को रिसीव हुए हैं पूरे इसमें बॉक्स में, तो आज इसी की पूरी आपको रिव्यू दूंगा मैं, पूरा टेस्ट करके दिखाऊंगा हर चीज़ की काम करता है कि नहीं। ये अमीनो क्लोरीन एक्स हो गया, वाटर टेस्टिंग किट हो गई, ये बैक्टोसैब बीएस हो गया मेडिसिन। तो मेडिसिन की मैं पहले ही आपको रिव्यू दे चुका हूँ कैसा था, अब बची है इन दोनों का, तो यही देता हूँ। ये रही टेस्ट किट, इसको खोलते हैं पूरा। तो इसके अंदर कुछ लिक्विड निकले हुए हैं, तो जब ये क्लोरीन से रिएक्ट होते हैं तो येलो या पिंक कलर का वाटर बन जाता है, तो उससे अपन को आइडेंटिफाई हो जाएगा कि क्लोरीन है वाटर में कि नहीं। और जब अपन अमीनो क्लोरीन एक्स में डालेंगे तो वो वाटर वापस पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, पूरा न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने तीन बीकर लिए हुए हैं, एक में आरओ का वाटर है जिसका टीडीएस अराउंड 30-40 होता है, और फिर एक में टैप वाटर है जिसका टीडीएस अराउंड 100-150 होता है, फिर एक में वेल वाटर है जिसका टीडीएस अराउंड 200-250 या 300 होता है, हम लोग के एरिया का अभी 300 है। और अभी सबसे पहले हम लोग आपको आरओ से टेस्ट करके दिखाएंगे, और आपको दिख रहा होगा कि आरओ का वाटर एकदम क्रिस्टल क्लियर है, उससे कम थोड़ा वेल का है, फिर टैप वाटर थोड़ा मिल्की सा है, क्योंकि टैप वाटर में क्लोरीन आता है और आरओ वाटर में बिल्कुल क्लोरीन नहीं होता है, और वेल वाटर में भी क्लोरीन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जब अलग से डाला जाता है तभी आता है वेल वाटर में क्लोरीन। तो अभी आपको सबके साथ टेस्ट करके दिखाएंगे पूरा क्लोरीन वगैरह का। और ये अमीनो क्लोरीन एक्स है जो कि न्यूट्रलाइज करेगी पूरे क्लोरीन वगैरह और अमोनिया को। और ये रही थोड़ा सा क्लोरीन हम लोग के पास, क्लोरीन पाउडर, जिससे हम आपको पूरा टेस्ट वगैरह करके दिखाएंगे अलग से भी। ये रही टेस्ट किट जो रिसीव हुई थी हम लोग के पास, इसी से लिक्विड निकालेंगे वाला। और ये वाला लिक्विड जब डालते हैं वाटर में, अगर उसमें क्लोरीन होती है तो उसके साथ रिएक्ट करके ये येलो कलर का वाटर बनाता है, तो यही लिक्विड से करने वाले हैं। किसी किसी केस में पिंक कलर का बनाता है, किसी किसी केस में येलो कलर का बनाता है। तो इसको भी रख देते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी टेस्टिंग करना। चलिए अब उठा लेते हैं अपना टेस्ट ट्यूब टेस्टिंग के लिए पूरा। और सबसे पहले आरओ का वाटर लेंगे, आरओ के वाटर से सबसे पहले टेस्ट करेंगे, आपको दिखाएंगे कि इसमें क्लोरीन है कि नहीं बिल्कुल भी अमाउंट में। तो चलिए करते हैं, अमीनो क्लोरीन एक्स डालेंगे बाद में, आरओ का वाटर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा इसमें टेस्ट ट्यूब में। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा वाटर पोर कर लिया है टेस्ट ट्यूब में अपने बीकर से, थोड़ा सा और करेंगे हम लोग अभी इसमें, थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा सा कम है अभी, और करते हैं थोड़ा।
तो ये हो गया, तो आप देख सकते हैं कि एकदम क्रिस्टल क्लियर है अभी वाटर, एकदम कलरलेस है। और अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे ये वाला जो लिक्विड आया हुआ है टेस्टिंग के लिए क्लोरीन के, तो इसको अपन खोलते हैं। और इसमें कुछ अराउंड 5 to 6 ड्रॉप्स डालेंगे इसमें, तो डाल दिया। और एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर क्लोरीन होता है वाटर में तो इंस्टेंटली कलर चेंज हो जाता है वाटर का, इंस्टेंटली कलर चेंज होता है, कुछ बबल्स वगैरह निकलते हैं कलर चेंज हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी एक बिल्कुल कलरलेस वाटर है, एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है। इसका मतलब इसमें कोई भी अमाउंट की क्लोरीन वगैरह नहीं है, एकदम फिश के लिए सेफ है ये वाला वाटर। लेकिन आरओ वाटर मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ फ्रेश वाटर में, क्योंकि उसमें बिल्कुल ही मिनरल्स वगैरह नहीं होते हैं, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। ये सिर्फ मरीन के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आरओ वाटर मरीन के लिए यूज़ करें। अब इसके बाद हम लोग करेंगे टैप वाटर से टेस्ट। चलिए टैप वाटर के पहले करते हैं वेल वाटर से, फिर एकदम एंड में आपको टैप वाटर रखाएंगे, क्योंकि उसमें अपन को पता है कि क्लोरीन है। अब वेल वाटर में देखते हैं कि क्लोरीन है कुछ अमाउंट में कि नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा वाटर पोर कर लेंगे, और वाटर पोर करने के बाद वही सेम प्रोसेस अपना वो वाला लिक्विड डालेंगे इसमें टेस्ट ट्यूब में, कुछ 5 to 7 ड्रॉप्स डालेंगे। और अब इसको थोड़ा मिक्स करेंगे, लेकिन अभी इतनी इंस्टेंटली ये कलर चेंज नहीं हुआ है, मतलब इसमें भी कोई भी क्लोरीन नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल वैसे ही कलर है वाटर का, एकदम ट्रांसपेरेंट। तो इसको भी वापस डाल देते हैं पानी को। अब करेंगे हम लोग टैप वाटर के साथ, तो टैप वाटर को डालेंगे इसमें थोड़ा सा, ये थोड़ा सा टैप वाटर डाला हम लोगों ने। तो इसमें पता है अपन को कि क्लोरीन है, क्योंकि अलग से विजिबल हो रहा है कि मिल्के सा वाटर है और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर नहीं है, क्लोरीन का कलर जैसे ही दिख रहा है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग ये लिक्विड डालेंगे, तो देख सकते हैं आप। तो ये जब मैं वीडियो बना रहा था तब ये जो यहाँ पे था, ये जो कलर था वाटर का, ये हल्का सा येल्लोश हुआ था, लेकिन ये कैमरे में विजिबल नहीं हो रहा है। मैंने वीडियो को बनाने के बाद गौर किया कि ये कैमरे में विजिबल नहीं है, इसलिए मैंने इसमें और लिक्विड डाला आपको दिखाने के लिए अभी। लेकिन ये लिक्विड डालने के बाद भी मतलब कैमरे में विजिबल नहीं हुआ था, नेकेड आइस से वहाँ पे विजिबल हो रहा था कि वाटर येल्लो है, क्योंकि इतने ज़्यादा अमाउंट में भी क्लोरीन नहीं आता है टैप वाटर में, इसलिए ये कैमरे में विजिबल नहीं है। हल्का सा कलर तो चेंज हुआ है अगर आपको दिख रहा हो, तो हल्का सा येल्लोश हुआ था ये, लेकिन कैमरे में विजिबल नहीं है। इसलिए हम लोगों ने फिर डायरेक्ट अभी आपको करके दिखाएंगे, डायरेक्ट क्लोरीन मिक्स करके दिखाएंगे वाटर में कि उससे क्या होता है, मतलब पूरा अच्छे तरीके से टेस्टिंग करेंगे। तो ये इतना ज़्यादा विजिबल नहीं है, तो इसमें अमीनो क्लोरीन एक्स भी अपन अगर ऐड करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा दिखनी दिखेगा नहीं, मतलब टेस्टिंग में कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, आप लोग नहीं समझ पाएंगे। तो इसको भी हम लोग वापस डाल देते हैं, और फिर हम लोग डायरेक्ट जो क्लोरीन पाउडर है वो ऐड करके आपको दिखाएंगे पूरा। तो इसको हम लोग वापस डाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब आरओ वाटर लेंगे, क्योंकि आरओ वाटर जो होता है वो एकदम प्योर होता है। आरओ वाटर लिया हम लोगों ने इसमें, अब इसमें वाला पहले थोड़ा लिक्विड डालेंगे। पहले आपको ऐसा प्रोसेस करके दिखा रहे हैं कि पहले हम लोग ने थोड़ा लिक्विड डाला, उसके बाद फिर हम लोग उसका उल्टा भी करके दिखाएंगे आपको। ये हम लोग ने थोड़ा डाल लिया, अब इसमें थोड़ी सी क्लोरीन डालेंगे। हाँ ये तो मैंने बहुत ज़्यादा क्लोरीन डाल रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी कम करूँगा। ये डालेंगे, अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे ही क्लोरीन वाटर में मिक्स हुई, और वो वाले मैंने ड्रॉप भी डाली हुई थी जिससे टेस्टिंग किट थी, उसकी वजह से ये येल्लो हो गया। इसको और मिक्स करते जाएंगे और उसमें वाटर मिलाएंगे तो इसका कलर और चेंज होगा, थोड़ा ग्रीनिश सा कलर हो जाएगा। अभी इसमें हम लोग थोड़ा और वाटर ऐड करेंगे आरओ का, थोड़ा और वाटर ऐड किया हम लोगों ने। अब आप देख सकते हैं कि जो कलर है वाटर का वो अब थोड़ा सा ग्रीनिश हो गया है। तो अब इसको हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे, इस पूरी क्लोरीन को, जितने भी क्लोरीन इसमें मिक्सड है इस पूरी क्लोरीन को न्यूट्रलाइज करेंगे अमीनो क्लोरीन एक्स को यूज़ करके। तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं बोतल को। तो
तो ये बोट उन्होंने ओपन करी। अब एक इंजेक्शन लेते हैं जिसके थ्रू अमीनो क्लोरीन एक्स निकालेंगे उससे बाहर। ये अमीनो क्लोरीन एक्स अमोनिया को भी न्यूट्रलाइज करने के काम आता है, लेकिन अभी हम लोग के पास अमोनिया किट नहीं है, इसलिए अभी हम लोगों ने आपको उसकी टेस्टिंग करके नहीं दिखाई। जैसी रिसीव हो जाती है तो हम लोग आपको अमोनिया से भी टेस्ट करके दिखाएंगे। तो क्लोरीन और अमोनिया जो सबसे बड़े दो फैक्टर्स होते हैं क्यूरेमोबी में, उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। देख सकते हैं आप, जैसे मैंने ऐड करा अमीनो क्लोरीन एक्स को इस क्लोरीन के मिक्सचर में, तो वैसे ही जो कलर था वाटर का एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया, पूरा कलरलेस हो गया है। कुछ बबल्स वगैरह बने और पूरा जो रिएक्शन था वो हुआ और उसके बाद एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया, कोई भी क्लोरीन नहीं है, पूरी क्लोरीन इससे न्यूट्रलाइज हो चुकी है और आपके सामने रिजल्ट है, एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया वाटर। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरीके से इंस्टेंटली क्लोरीन को क्लोरीनेट कर देगा ये आपके एक्वेरियम वाटर से। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जो नए नए एक्वेरियम रखे हुए हैं घर पे, नए एक्वेरियम स्टार्ट करना है उनके में अमोनिया हाइक हो रही है, क्लोरीन अगर आ रहा है टैप वाटर में तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, या पुराना एक्वेरियम है उसमें अमोनिया हाइक्स वगैरह हो रही हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो अमीनो क्लोरीन एक्स की बोतल है और कोई भी प्रोडक्ट हो या उसका लाइफ फ्रॉम न्यूट्री लैब्स का, तो उसके में आपने देखा होगा एक चीज़ कि ये जो बोतल होती है इसका जो बिल्ड होता है वो एकदम अलग होता है, क्योंकि इसमें मेजरिंग बोतल होती है। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ रहता है 5 ml, 10 ml, 15 ml, और एक पाइप से कनेक्टेड होती है जिसके थ्रू इसमें वाटर आता है और उसी में उतना मेडिसिन या फर्टिलाइजर वगैरह लेके आप डायरेक्ट अपने एक्वेरियम में उससे पोर कर सकते हैं। आपको कोई भी अदर इंजेक्शन या अदर किसी भी अदर मेजरिंग चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी में अंदर इनबिल्ट रहता है और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में रहता है, अराउंड 650 की है ये वाली बॉटल। और आपको मैं इसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में सारी प्रोडक्ट्स की, लाइफ फ्रॉम न्यूट्री लैब्स के, और पूरे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स रहते हैं इसके, तो इसलिए अपन को सस्ते भी पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स रहते हैं। मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ इसके सारे प्रोडक्ट्स, सच में बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो आपने देखा कि ये अमीनो क्लोरीन कितना ज़्यादा यूज़फुल है और इससे अपन अमोनिया होल्ड अप कर सकते हैं और क्लोरीन को डीक्लोरीनेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जो एक्वेरियम हॉबी में, जिनको लोगों को प्रॉब्लम होती है स्टार्ट करने में अपने एक्वेरियम, जो नए नए एक्वेरियम रखते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और किसी का पुराना एक्वेरियम है उसमें भी अमोनिया स्पाइक्स वगैरह हो रही हैं और क्लोरीन वगैरह आ रहा है पानी बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है ये, मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैंने भी इसको अपने एक्वेरियम्स वगैरह में यूज़ किया है और सच में रिजल्ट ऑसम है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अभी मैंने आपको पूरा टेस्ट करके भी दिखाया कि किस तरीके से एकदम न्यूट्रलाइज कर देता है पूरी क्लोरीन को ये, और अब साथ ही साथ अमोनिया को भी करता है, लेकिन अभी प्रेजेंट मेरे पास अमोनिया की टेस्ट किट रिसीव नहीं हुई है। जैसे ही अमोनिया की टेस्ट किट रिसीव होगी तो मैं इसका टेस्ट आपको अमोनिया के साथ भी करके दिखाऊंगा कि कितना काम करता है ये अमोनिया को लेके। अभी इसका सिर्फ मैंने आपको क्लोरीन का टेस्ट करके दिखाया है, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। और लाइफ फॉर्म्स न्यूट्री लैब्स के अगर प्रोडक्ट आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको मेरे वीडियो के, वहाँ पर जाकर आप इनको बाय कर सकते हैं। और उनके जो रेट हैं वो भी इतने ज़्यादा अफोर्डेबल हैं और मेक इन इंडिया है, ये पूरा मेड इन इंडिया है प्रोडक्ट है, तो तभी इसका जो प्राइस वगैरह है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है। और मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा अपनी साइट से। तो यही थी आज की वीडियो, पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे दो पेजेस हैं, एक्यूरेस्ट वाले प्रवेश चौरसिया, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।